समाजवादी पार्टी के छाता विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र अतुल सिसोदिया गांव-गांव जाकर अपने पिता के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने करीब एक दर्जन गांव में जाकर गठबंधन की रीति नीति से जनता को अवगत कराया। चुनाव प्रचार में अब 4 दिन ही शेष बचे हैं, इसीलिए हर प्रत्याशी और उनके समर्थक इस समय अवधि के भीतर ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। छाता से रालोद समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के पुत्र अतुल सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को साथ लेकर शुक्रवार को बरका, बुखरारी, शेरनगर, खेरार, आजनौक, लोधोली, खायरा, पिसाया आदि गांव में घर घर जाकर घूमे और उन्होंने कहीं हाथ जोड़कर तो कहीं बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद रूपी वोट मांगा। गांव में जनसंपर्क के दौरान अतुल सिसोदिया का उनके समर्थकों ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान अतुल सिसोदिया ने कहा कि छाता क्षेत्र की जनता शुगर मिल के नाम पर भाजपा द्वारा की गई वादा खिलाफी से खासी नाराज है। वहीं 3 काले कानून और क्षेत्र में सड़क, खाद, बीज, यूरिया, नहर, बम्बों में पानी न आने की समस्या से खासी नाराज है। इसीलिए इस बार क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है और रालोद सपा गठबंधन से उन्हें इस बार पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिलने के बाद चंद महीनों में इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाई जाएगी। देखिए, जनता पिछले 5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। उस रिपोर्ट कार्ड में वो देख रही है कि पिछले 5 साल में ना तो रोजगार की बात हुई, ना ही हमारी छाता शुगर मिल की बात हुई, ना ही हमारी खराब होती जमीन की बात हुई, ना ही सिंचाई की पानी की व्यवस्था की बात हुई। बात हुई है हमारे यहाँ राशन कोटों की, थाने तहसीलों की। तो जनता अब उन सब चीज़ों से ऊब चुकी है और जैसा हम लोग जा रहे हैं गांव में दौरा करने के लिए, सभी समाज और सभी धर्म के लोग हमें बहुत ये अपार समर्थन इस वजह से ही मिल रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वही कारण है जो देखने को आज हम आजनौक गांव में हैं और आपने देखा होगा जो जनसैलाब उमड़ रहा है। वही स्थानीय लोगों की समस्या सबसे बड़ी, अब जैसे पिछले दिनों उन्होंने झेली थी कि खाद की समस्या थी, खाद और यूरिया नहीं मिल रहा था, यहाँ से काट के उसको दलालों के थ्रू राजस्थान में और दूसरी जगह भेजा जा रहा था, उनकी समस्या। और एक बड़ी समस्या जो आप हर जगह देख भी रहे होंगे, शुगर मिल की समस्या हर जगह है। साथ ही साथ में बेरोजगारी की समस्या भी हर गांव में देखने को मिल रही है और आज भी जिक्र किया कुछ माताओं ने कि बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। तो वही जो बेसिक मुद्दे हैं वही आज हमारे बीच में हैं कि उनकी समस्याएँ हैं। देखिए, वो एक ऐसी चीज़ थी कि बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जो एक पुल का एक मतलब हम कह सकते हैं एक टाइमलाइन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर में तैयार हो जाना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि पुल सैंक्शन हुआ पिछली सरकार में, 2015 से शायद बनना शुरू हुआ था, 2015-16 से, और आज हम 2022 में खड़े हुए हैं। जी, 2 ROB पास हुए थे, एक को भी वो अगर चालू हुआ वो छाता गोवर्धन वाला, वो भी तब चालू हुआ जब करीबन 5 या 6 साल बाद में, पिछले साल ही वो चालू हुआ। और अब ये छाता बरसाना वाला जो पुल है, इतना लंबा रास्ता लोगों को तय करना पड़ता है, अगर कोई बीमार हो जाए, कोई अगर किसी बच्चे को कॉलेज जाना है किसी को, क्योंकि हमारी तहसील यही लगती है, तो जब यहाँ से जाना होता है तो उनके पास में रास्ता नहीं है जाने के लिए। और यही समस्या छाता टाउन की है, उनके खेत हैं इधर और उनके पास रास्ता नहीं है इधर, ना उनकी बुग्गी आती। और जब हमारा मेन ये रोड है, क्योंकि KNBG हमारी बनी नहीं है, KNBG भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट रुक गया था, और छाता जो NH का जो हमारा हिस्सा बरसाने को जोड़ता है वो यही रोड है, तो वो पुल भी बंद पड़ा है। तो एक बड़ी परेशानी हमारे बीच में बनी हुई है, उस पुल का भी कोई निस्तारण नहीं हो पाया। प्राथमिकता में मैंने बताया ना आपको, ये सबसे ज़्यादा मुख्य मुद्दा हमारा शुगर मिल का है, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। प्लस में हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे KNBG का हमारा मार्ग है, हमारे जो ROBs जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ये ROBs की बात है। प्लस हम लोग बेरोजगारी के लिए कुछ पूलिंग करके, सब इंडस्ट्री वालों से बात करके हम लोग पूलिंग करके ऐसे व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि स्किल्ड जो लोग हैं, स्किल्ड हमारे यहाँ जो BTech MTech करे हुए डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन स्किल्ड लोगों को हम लोग पूल बनाकर और उनको नौकरियों की व्यवस्था यहाँ से यहीं कर सकें। अभी पब्लिक में चर्चा सुनी है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है शायद ऑफिशियल किसी पुलिस ने अभी कोई स्टेटमेंट उसके अंदर में नहीं दिया है। कुछ गिरफ्तारियां उसके अंदर में हुई हैं और जैसा सुन रहे हैं कि अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मुझे अभी तक नहीं पता था, पर उसमें जैसे सुनने में आ रहे हैं कोई स्थानीय BJP के ही नेता उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं उस हत्याकांड के अंदर में। ज़्यादा मुझे उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं बस यही अपील करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि इसका राजनीतिकरण ना हो। इसमें कई बार ऐसा प्रयास हो रहा है कि और विपक्ष के नेता हैं उनको किसी तरीके से फंसा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं
वो आरोप लगा रहे हैं। और मैं भी ये बात कहूँगा और मैं आज ये फिर बात ये दोबारा रिपीट करूँगा कि हमने ये कहा था कि अगर कोई कार्यकर्ता के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता जो बीजेपी को छोड़ रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है आपके मकानों पे बुलडोजर चलेगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर फिर दोबारा से हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर और हमारे किसी वोटर के ऊपर भी, आम जनता के ऊपर अगर किसी ने किसी तरीके से उंगली उठाई, तो आज भी हम और पहले भी ये हाथ, उंगली ही नहीं, हाथ काटने